नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मैं अभी डीएवी कपिल देव स्कूल पास मौजूद हूँ, जहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी ये कर रहे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरीके से इस स्कूल के प्रिंसिपल पर बहुत ही गंभीर और शर्मसार आरोप लगा है, ये आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोप उनकी खुद की स्कूल में काम करती हुई नर्स से लगाया है। नर्स से साफ तौर पर कहा है कि वो मुझे मेरे कमरे में आते थे, मुझे चूमते थे, किस मांगते थे, इस तरह के अश्लील बातें करते थे। साथ ही कुछ ऑडियो और वीडियो भी वायरल हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बात को पुष्टि उन्होंने खुद कर दी जब वो भाग गए, और ना उन्होंने अपनी कोई सफाई दी, अपने तरफ से कोई बयानबाजी, कुछ भी नहीं। वो रातों रात भाग जाते हैं। पुलिस में वैसे तो FIR दर्ज है, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया और बयान नहीं आया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल यहाँ पे काली है। वैसे झारखंड में आए दिन ED CBI तो है ही, लेकिन अब हर दिन एक नया मसला निकल के सामने आ रहा है। एक स्कूल के प्राचार्य पर इतना गंभीर आरोप लगना, वो स्कूल डीएवी कपिल देव, जो रांची और झारखंड का सबसे जाना माना और प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए तरसते हैं और यहाँ से एक से एक टॉपर्स निकल के सामने आते हैं, ऐसे में प्रिंसिपल पे इस तरह का आरोप लगना ना ही सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए बल्कि पेरेंट्स का भी हौसला को तोड़ता है, क्योंकि हर पेरेंट्स को रहता है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन वो 3 दशक से पढ़ा रहे थे प्रिंसिपल, लेकिन 3 दशक में पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसी बातें निकल के सामने आएगी तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा और शिक्षक पे एक बहुत बड़ा दाग देती है। इस मामले पर हमने हिंदू वहिनी जो धरना दे रहे उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लेने का काम करना चाहिए सरकार, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये एक शिक्षक के द्वारा किया गया, शिक्षक से समाज सीखता है, तो अगर शिक्षक ही ऐसा हो जाएगा तो समाज कैसा निकलेगा। इसका तो अभी हमको पता नहीं, लेकिन होना तो जरूर चाहिए, क्योंकि तुरंत कोई भी कार्य होता है, जैसे हिंदू समाज, आप बहुत बड़ा एक उदाहरण ले लीजिएगा, सीएम जी के काफिले पे जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसके ऊपर एक जानबूझकर एक उसको मुहिम तैयार कर दिया गया और रातों रात 150 कार्यकर्ताओं से ऊपर का गिरफ्तारी हो गया। लेकिन आज रांची में जब इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, जब एक शिक्षक के द्वारा इतना गंदा कार्य किया गया है, तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज को सोचने की आवश्यकता है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस प्रकार से उनका अभद्र चैट प्रमोशन के नाम पे, परमानेंट करने के नाम पे, वो जिस प्रकार से यौन शोषण कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग उतरे हैं रोड पे और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा देखिए, अगर हमारे प्रचारक खुद समझाते थे हम लोगों को कि अगर एक फल सड़ जाए तो पूरा टोकरी सड़ा देता है, तो शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जिसके प्रचार इसके हेड ही ऐसे हो तो पूरा शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर इनको हटाया नहीं जाए तो। इनको हटाने की मांग को लेकर हम लोग सब आए हुए हैं। देखा कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हेमंत सोरेन हर चीज में तुरंत एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जब बात इतने बड़े प्रचार पे दाग लगती है तो अभी तक वो चुप क्यों नहीं है? फौरन कड़ी से कड़ी सजा और कड़ी से कड़ी एक्शन मिलनी ही चाहिए। और सब पूजा सिंघल को सजा मिले या ना मिले, लेकिन इनको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ी बात है, देश के भविष्य इनके हाथ में होता है ऐसे प्रचारों का। अगर इनको सजा नहीं मिलेगी तो एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा प्रणाली पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत, और अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।